अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सभी देखने वालों का और मेरी YouTube फैमिली का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशी और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम सिखाऊंगी जिसको बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और बहुत ईजी तरीके से। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा जी, देखिए चॉकलेट आइसक्रीम हम बनाएंगे वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। और ये देखिए, ये है मेरे पास 2 कप के करीब जो है ये मेरे पास हैवी क्रीम है, मेरे पास व्हिपिंग हैवी क्रीम जो होती है ना वो है 2 कप के करीब। और मेरे पास ये 1/2 कप कोको पाउडर है और मेरे पास देखिए ये 1 कप जो है वो दरमियाने साइज का ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है। सिर्फ ओनली 3 इंग्रेडिएंट से हम ये आइसक्रीम बनाएंगे विदाउट बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर, विदाउट हैंड बीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले जो है हमने एक ब्लेंडर लिया है, हम ब्लेंडर की मदद से बना रहे हैं इसे। तो हमने जो है ये 2 कप के करीब जो हमारे पास जो है व्हिपिंग हैवी क्रीम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल क्रीम भी, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी बन जाएगी। और मेरी ये क्रीम मीठी है, अगर आपकी मीठी नहीं है तो आप इस पॉइंट पर चीनी भी शामिल कर सकते हैं जितना आप मीठा पसंद करते हैं। ये देखिए, ये सारी क्रीम मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद इसमें ये कंडेंस मिल्क डालेंगे हम सारा। ये देखिए, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक मुस्तकिल ब्लेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ब्लेंडर में बना रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो आप इस पॉइंट पे चीनी डाल सकती हैं। चीनी नहीं डालना चाह रहे हैं आप लोग तो आप कंडेंस मिल्क की जो वो है मिकदार वो बढ़ा लें, ठीक है जी। मेरी क्रीम जो है वो मीठी थी तो मैंने सिर्फ 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क डाला है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है, बहुत अच्छी सी इसकी वो आ गई है जैसे हमें चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बीट हो गई थी। अब हम करेंगे ये कि अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो हमने 1/2 कप के करीब कोको पाउडर लिया है वो इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये सारा डाल दिया हमने। इसको ब्लेंड करेंगे दोबारा, तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा इसको ब्लेंड कीजिए आप अच्छी तरीके से। और ये देखिए, क्रीम हमारी ब्लेंड हो चुकी है, आइसक्रीम हमारी तैयार है। मैंने इस तरह के जो है डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं करूँगी ये कि इसके अंदर जो है अपनी आइसक्रीम को डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरह से सब में डाल देंगे हमारे ग्लासों में। इस तरह से अपनी आइसक्रीम डाल ली है, चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा, 2 कप क्रीम में आपके इस तरह से देखिए 3 गिलास फुल और एक इस तरह से ये हाफ तैयार होगा। अब इसके ऊपर जो है ये ऑप्शनल है, मैं डालेंगे इसके ऊपर आप इस तरह से चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और इसको जो है आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप पूरा 1 दिन अगर फ्रीजर में आइसक्रीम रखेंगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे कि हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी जमती है। तो मिलते हैं 1 दिन के बाद। ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। पूरे 1 दिन के बाद हमने इसको निकाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी जमी है ये। ये देखिए ज़बरदस्त सी आइसक्रीम तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगी इंशाल्लाह ऐसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।